समझ लीजिए, आपको खाना गर्म करना है तो यहाँ से डायरेक्ट पैन सेट करके स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक, अभी जैसे थोड़ा पापड़ वगैरह सेकना है तो आपको यहाँ से 30 सेकंड सेट करके स्टार्ट कर दीजिए। यहाँ पे ये प्रेस करेंगे तो यहाँ से 30 सेकंड और जो भी टाइम सेट करना है सेट करके स्टार्ट कर दीजिए, तो वो आपका हीटिंग हो जाएगा। ठीक, ये एक बार में स्टॉप हो जाएगा, दो बार में कैंसिल हो जाएगा। ये माइक्रो पावर दिया हुआ है, आपको माइक्रोन का पावर कम ज़्यादा करना है तो यहाँ से कर सकते हैं। जैसे गैस स्लो फास्ट मीडियम करते हैं वैसे आप माइक्रोवन कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये प्रेस करेंगे यहाँ 100% दिखेगा, अगर आपको पावर और कम कम करना है तो यहाँ से 80, 50, 30, 10 और जैसे 80% पे आपको 5 मिनट माइक्रोवेव करना है, यहाँ से 5 मिनट सेट कर दीजिए और स्टार्ट कीजिए। तो जो टाइम आप सेट करेंगे उतना टेम्परेचर पे उतना ही मिनट चलेगा, बाकी उसके बाद फिर से ऑटोमेटिक 100 पे आ जाएगा वो। ये ग्रिलिंग के लिए, ग्रिल पे सिर्फ आपको ये जाली यूज करना है और कोई भी बर्तन यूज नहीं करना है, ना ही प्लास्टिक का, ना ही एल्युमिनियम का, ना ही कांच का, कोई भी नहीं। ये आपको डायरेक्ट ग्रिल को यहाँ डायरेक्ट अंदर रख देना है, ऐसा जो भी चीज़ कड़क करना है तो आप उसके ऊपर या इसके ऊपर रख के और ये ग्रिल का बटन दबाना है, टाइम सेट करना है और स्टार्ट कर देना है, तो वो आपका कड़क हो जाएगा। ग्रिल पर क्या होगा, सिर्फ कड़क होगा, जैसे ब्रेड टोस्ट करना है या बाहर से पिज्जा वगैरह लेके आए वो कड़क करना है तो वो आपका ग्रिल पे होगा। ठीक, ये कन्वेक्शन है, जैसे केक वगैरह आपको बनाना है या बेकिंग का कोई भी डिश बनाना है आपको तो कन्वेक्शन पे बनेगा। ये प्रेस करेंगे तो 180 डिग्री ऑलरेडी हमेशा सेट रहता है, आपको पावर कम ज़्यादा करना है टेम्परेचर तो यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद जो टेम्परेचर चाहिए आपको वो सेट कर दीजिए, उसके बाद जो टाइम चाहिए वो टाइम सेट कर दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए, तो वो टेम्परेचर पे वो टाइम तक चलेगा आपका। तभी ये रखने का ये रख सकते हैं, आप जो बेकिंग डिश वगैरह रहता है वो भी रख सकते हैं, माइक्रोवेव से बर्तन कांच का जो रहता है वो भी रख सकते हैं। ठीक, यहाँ और प्लास्टिक का नहीं बर्तन रख सकते इसमें। ये कॉम्बिनेशन है, जैसे कोई चीज़ पकाना भी है और कड़क भी करना है, जैसे चिकन तंदूरी पनीर टिक्का ये सब करना है आपको, तो यहाँ कॉम्बिनेशन पे करना पड़ेगा। ये प्रेस करेंगे C1 आ जाएगा, माइक्रो प्लस ग्रिल, मतलब आपका पक भी जाएगा और कड़क भी हो जाएगा। तो ये प्रेस करके जो टाइम चाहिए आपको वो टाइम सेट कर दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए, तो वो आपका पक भी जाएगा और कड़क भी हो जाएगा। ये ऑटो डिफ्रॉस्ट दिया हुआ है, जैसे फ्रीजर वगैरह में कोई चीज़ रखा हुआ है आइस जम जाता है तो उसको डिफ्रॉस्ट करने के लिए ये ऑटो डिफ्रॉस्ट दिया हुआ है। ये प्रेस करेंगे यहाँ T1 करके आ जाएगा, उसके बाद जैसे आपने पनीर लिया है 250 ग्राम है 300 ग्राम है जो भी, तो यहाँ से वेट सेट होगा इसका, 200 ग्राम 300 ग्राम जो रहेगा वो सेट कर दीजिए और स्टार्ट कर दीजिए, तो वो आपका उतना टाइम ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक, ये टाइमर क्लॉक, अगर आपको यहाँ डिस्प्ले पे टाइम चाहिए, घड़ी का टाइम देखना है तो यहाँ आप सेट कर सकते हैं। ये प्रेस करके रखेंगे 3 सेकंड तक तो वो यहाँ आपका टाइम आ जाएगा, उसके बाद वो टाइम आप सेट कर दीजिए, मगर जब तक वहाँ से स्विच ऑन रहेगा जब तक ये दिखेगा, जैसे स्विच ऑफ बंद करेंगे टाइम कैंसिल हो जाएगा आपका, फिर से वो ऑफ हो जाएगा, तो ये उतना ज़रूरी नहीं है आपको। और ये आपका कम, ये तो आपका मैनुअल प्रोग्राम था, आप अपने हाथ से कम ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। ठीक, अभी आकर आपको कंपनी का ऑटो कुक इसके अंदर दिया हुआ है, ये यहाँ सारा रेसिपी लिखा हुआ है इसमें, तो जो भी रेसिपी आपको बनाना है डायरेक्ट यहाँ से प्रोग्राम सेट करके आप स्टार्ट कर देंगे तो वो आपका ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक, जैसे अभी आपका ये बनाना है साइड डिश कीमा मसाला बनाना है, तो यहाँ 46 दिया हुआ है, साइड डिश ड्राई यहाँ 46 से आप सेट कर दीजिए, यहाँ 46 सेट करके स्टार्ट करेंगे तो टाइम ऑटोमेटिक आ जाएगा इसका, और बनाने का तरीका पूरा बुक में लिखा हुआ है इसका। ठीक, और ये वाइपर क्लीन दिया हुआ है, अगर आपका जैसे कोई ऑयली चीज़ यूज करते हैं उसमें ऑयल जैसा ऊपर लग जाता है तो वाइपर क्लीन करना रहेगा। वाइपर क्लीन एक बाउल में पानी लीजिए और नींबू काट के डाल दीजिए, और यहाँ से वाइपर क्लीन सेट कर देंगे तो 20 मिनट तक माइक्रोवेव चलेगा आपका, और उसके बाद बंद हो जाएगा तो स्विच बंद करके आप सूखे कपड़े से अंदर साफ कर दीजिए, वो साफ हो जाएगा। और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। ये ब्लैक वाला वही बताया ना, बेकिंग वगैरह करना है, पिज्जा वगैरह बनाना है, तो वो सब कर सकते हैं।
ये आप जैसे पनीर टिक्का वगैरह चिकन टिक्का ये सब बनाना है तो इसमें आप लगा के कांदी जैसे वो कर सकते हैं।